फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लेके आए हैं आटे का हलवा। उसे बनाने के लिए मैंने एक कटोरी आटा लिया है, गुड़ लिया है थोड़ा सा, उसके टुकड़े कर लिए हैं छोटे छोटे, देसी घी लिया है एक कटोरी में थोड़ा सा कम है, और पिस्ता, बादाम, काजू मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। ये देखिए, चलिए अब आटा भूनना स्टार्ट करते हैं। लाइट ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे। ये देखिए, मैंने गैस ऑन कर दी है लो फ्लेम पे। अब मैं इसमें घी ऐड करूंगी। पहले देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो गई है। अब मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। अभी मैंने एक चम्मच घी ऐड किया है, थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ, और अगर मुझे लगेगा और ऐड करना है तो मैं बाद में ऐड कर लूंगी। अभी इतना है, ये देखिए मेल्ट हो गया है घी। अब मैं इसमें आटा ऐड करूंगी। ये देखिए, मैं इसमें आटा भी ऐड कर रही हूँ। अब इसको चलाते रहना है जिससे कि इसमें लम्स ना बन जाए। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से इसको भून रहे हैं। जब तक ये घी ना छोड़ दे तब तक इसको ऐसे ही घुमाते रहना। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से भून चुका है, ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें गुड़ ऐड कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक कटोरी आटा लिया था तो मैं इसमें चार कटोरी पानी ऐड करूंगी। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, इसमें उबाल आ गया है पानी के अंदर। अब मैं इसमें जो मैंने आटा फ्राई किया था, भूना था जो लाइट ब्राउन होने तक, उसको ऐड करूंगी। Thank you.
मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स अगेन।